हफ्ते के पहले ही दिन बाजार गुलजार हो गया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन निफ्टी ने दोबारा सेंचुरी लगाई और 6 मार्च के बाद पहली बार 11,000 का स्तर मार्केट ने पार किया और 11,022 के स्तर पर पहुंचा और सेंसेक्स में करीब 400 अंकों की तेजी देखी गई और सेंसेक्स 37,400 के पार बंद हुआ। बैंकिंग शेयरों में उछाल के कारण बैंक निफ्टी भी 355 अंकों की बढ़त के साथ 22,322 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार पर ज्यादा जानकारी के साथ कुशल गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कुशल, बताइए, आज पूरे दिन, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, बाजार गुलजार, किस तरह का एक्शन रहा है मार्केट में आज पूरे दिन? जी, तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आज बाजार शानदार क्लोजिंग के साथ बंद होता हुआ दिखा। इनफैक्ट निफ्टी 5 मार्च के बाद आपको 11,000 के ऊपर क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों की सूची में पर्टिकुलरली आईटी स्पेस लीड करता हुआ नजर आया और एफएमसीजी स्पेस से ब्रिटानिया, यहाँ पर बहुत ही शानदार तेजी बनती हुई नजर आई। 5% का दमदार उछाल आपको इसमें देखने को मिला। साथ ही अगर आप निफ्टी में गिरने वाले शेयरों को देखेंगे तो वहां पर फार्मा स्पेस जो था वहां पर सबसे ज्यादा दबाव दिखा, जिसमें सन फार्मा इसको लीड करता हुआ दिखा। इंटरडे में तो ये करीब 5% तक भी लुढ़कता हुआ नजर आया था। साथ ही सिप्ला, जी एंटरटेनमेंट और बीपीसीएल में दबाव देखने को मिला। वहीं अगर आप निफ्टी में देखें तो जो आईटी गेनर्स थे वहां पर सबसे ज्यादा तेजी रही, जहां पर विप्रो, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, जितने भी फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स है वहां पर 4-5% की बढ़त हमें देखने को मिली। साथ साथ अगर आप एनबीएफसी स्पेस भी देखेंगे तो यहां पर शानदार आपको देखने को मिला। नतीजों के बाद एमएनएम फाइनेंस यहां पर 10% तक का उछाल हमें देखने को मिला। राइट्स इश्यू को लेकर भी खबर थी यहां पर। साथ साथ अगर आप इक्विटास होल्डिंग्स, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जैसे जो दिग्गज शेयर है इनके नंबर्स भी आने वाले हैं, यहाँ पर 4-5% की बढ़त हमें देखने को मिली। इसके अलावा बैंकिंग स्पेस अगर आप देखें तो फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक, इन जैसे स्टॉक्स में 5-5.5% का भी आपको देखने को मिला। पर ऑन द फ्लिप साइड, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो फार्मा लूजर्स है वहां पर सबसे ज्यादा दबाव आज के सत्र में बनता हुआ दिखा। इनफैक्ट ये इकलौता एक ऐसा इंडेक्स था जो लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया, जिसमें सन फार्मा, लूपिन, सिप्ला और ग्लेनमार्क जैसे स्टॉक शामिल थे। बहुत शुक्रिया कुशल आपका मार्केट का ये पूरा एक्शन बताने के लिए।